लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, जिसमें ऊंच नीच अमीर गरीब के किसी भी फासले को नहीं देखा जाता। ठीक इसी बात को चरितार्थ किया है मंडी जिला के उपमंडल बलह की ग्राम पंचायत सिधियानी के गांव भावत में हुई एक शादी ने। कहानी बेशक फिल्मी लगे, लेकिन यह पूरी तरह से सच है। इस शादी में दूल्हा दिव्यांग है और दुल्हन पूरी तरह से सामान्य। वर्ष 2013 में 12वीं कक्षा में पढ़ते हुए लड़की हीमा देवी को व्हीलचेयर पर बैठे लड़के पुष्पराज से प्यार हो गया। यह प्यार क्षणिक नहीं था। दोनों ने 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद अलग अलग जगहों पर स्नातक की पढ़ाई पूरी की। व्हीलचेयर पर बैठकर लड़के ने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक और लड़की ने मंडी कॉलेज से राजनीतिक शास्त्र में एमए किया। आज इस जोड़े को परिणय सूत्र में बंधना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय है। वहीं क्षेत्र में हुई शादी ने जिला सहित संपूर्ण प्रदेश को गौरवान्वित कर दिया है। बता दें कि ग्राम पंचायत सिधियानी के भावत गांव के पुष्पराज वर्ष 2010 में लीदा के समीप हुए एक ट्रक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हादसे में उनके छोटे भाई सहित करीब 40 लोगों की मौत हो गई थी। गंभीर अवस्था में उन्हें IGMC ले जाया गया, जहां पुष्पराज का स्पाइन और हेड इंजरी का इलाज किया गया। वर्तमान में भी उनका IGMC में उपचार चल रहा है। पिता नरोत्तम दास JNGC में आउटसोर्स पर चपरासी के पद पर कार्यरत हैं। वहीं चढ़ी गांव की हीमा देवी के पिता नोताराम लोक निर्माण विभाग में लेबर का काम करते हैं। हीमा ने जब माता पिता को अपनी पसंद और पूरे घटनाक्रम से अवगत करवाया, तो बेटी की पसंद को उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। क्षेत्र में हुई इस अनोखी शादी में गाँव का हर शख्स गवाह बना। बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद के बीच पुष्पराज ने जीवन साथी हीमा के साथ बैसाखियों के सहारे सात फेरे लिए। वर्ष 2010 में एक शादी के बाद होने वाले धार्मिक कार्य के लिए एक ट्रक में लोग जा रहे थे। लेदा के समीप ट्रक के गहरी खाई में गिर गई, जिस कारण इस हादसे में 40 लोगों की मृत्यु हो गई थी। हादसे में पुष्पराज के छोटे भाई की मौत हो गई थी। उस समय पुष्पराज 9वीं कक्षा में सिधियानी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन हीमा देवी ने दिव्यांग पुष्पराज को अपना दिल दे दिया और आज इस पवित्र रिश्ते को परवान चढ़ गया है। मेरा एक्सीडेंट 2010 में हुआ था, एक ट्रक एक्सीडेंट जिसमें 35+ लोगों की डेथ हो गई थी और जिसमें मेरा रियल ब्रदर भी था। मैं पढ़ने में बचपन से ही ठीक था, इसलिए मैं उस वक्त 9th क्लास में था जब एक्सीडेंट हुआ था। इसलिए मेरे मदर फादर ने भी बोला कि तू आगे भी पढ़। लोग तो बोलते रहे कि नहीं, अब क्या करना, तूने पढ़ के कैसे पढ़ेगा, क्योंकि मैं व्हीलचेयर पर ही था। मेरे को स्पाइनल इंजरी हुई थी और डॉक्टर्स ने बोला था कि अब तो ये चल पूरी उम्र नहीं चल सकता, व्हीलचेयर पर ही रहेगा। पर मेरे मदर फादर ने तभी हिम्मत नहीं हारी और इन्होंने मेरे को पढ़ाने के लिए एक रूम लिया स्कूल के नज़दीक और मेरे को डेली व्हीलचेयर पर स्कूल लेके जाते थे। उसके बाद वैसे ही मैं पढ़ता गया, फर्स्ट डिवीज़न से हमेशा पास होता गया। फिर मेरी लाइफ में हीमा आई, जिससे मेरी शादी हुई है आज। ये प्लस टू के एंड में आई थी, वो भी मतलब दोस्तों की मजाक की वजह से। उसके बाद हम बातचीत करते रहे और बस मतलब हमारी लव स्टोरी बन गई। उसके बाद लोगों ने बहुत कुछ किया, मतलब तुड़वाने की बहुत कोशिश की। लोगों ने कई कुछ बोला, हीमा के मदर फादर से कई कुछ बोला, पर उन्होंने भी कुछ किसी की नहीं सुनी और उन्होंने इंसानियत को ज़िंदा रखा। जो मैं बोलना चाहूँगा कि जो इंसानियत की एक मिसाल है, वो इनका परिवार है इंसानियत की एक मिसाल। बाकी तो दुनिया ऐसी ही है सारी। आज हमारी शादी हुई है, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि इंसानियत हमेशा ज़िंदा रखें सभी। बाकी चाहे आपकी टांगे हों या कुछ हो, अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आप इंसान भी नहीं है। अभी भी मेरी शादी हुई इनसे, कुर्सपुरा से, और यहाँ बाबत में, और हम दोनों साथ में ही पढ़े थे स्कूल में। इनका एक्सीडेंट हुआ था 2011 में और हम मिले थे मतलब प्लस टू के एंड में ही जी। और अब भी मैरिज हुई, फिर हम दोनों साथ में ही पढ़े थे और हम दोनों
मतलब बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे ना, लोगों ने तो बहुत कुछ कहा पर हम दोनों साथ में ही रहे हमेशा। परिजनों ने तो बहुत कुछ कहा कि लड़का ऐसा है, लेकिन मैंने किसी की नहीं मानी, मैंने किसी की नहीं मानी। घर वालों ने भी सपोर्ट किया, फिर मैंने किसी की नहीं मानी और रखी। आज मेरी बेटी की शादी हो गई है और रिपालसर से मेरी बहू आई है और मुझे अपने बेटे और बहू पर बहुत गर्व है, बेटी पर भी ज़्यादा गर्व है बहू पर। इसने मेरे बेटे का इतना साथ दिया, उस टाइम तो हम टूट ही गए थे कि हम मरी जाएँ जहर खा कर, पर फिर भी हमने फिर से हिम्मत की, बेटा रह गया मेरा, एक तो चला गया, फिर भी हमने इसकी तरफ, बेटा बहुत अच्छा था पढ़ने लिखने में और इसकी हिम्मत से हम जिए पाए आज तक। पूरे समाज के लिए मैं यही कहूँगी कि ऐसी बेटी दुनिया में किसी की नहीं होगी जो ये है। मेरी भांजी जो है रिवालसर पंचायत में रहती थी, जिसने एक आज शादी करी है एक लड़के से और ऐसी मिसाइल कायम कर दी है पूरे समाज में और पूरे हमारे यहाँ परिवार में कि उस लड़की ने उस लड़के से जैसे शादी करी है जो हैंडीकैप, दोनों टांगें नहीं चलती उसकी बेचारे की, और उससे शादी करी है। और मैं तो हैरान हूँ उससे, मैं भी और जितने भी हमारे सके संबंधी आ रहे थे सारे इस बात से उस लड़की को बड़ी ये करते हैं कि भाई इस लड़की ने इतना बड़ा संघर्ष करके और इस लड़की की शादी पूरी ज़िंदगी कैसे बताएगी कैसे नहीं करेगी, पर लड़की ने इतना गट्स दिखाया, इतना अच्छे रोल अदा कराया है कि मैं इसकी सेवा करूँगी कैसे भी। अगर कल दिन कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अगर मेरी शादी हुई और 5 दिन के बाद ऐसा होता जब भी, तो मेरे को पालना पड़ता परिवार, तो मैं पूरा सहयोग करूँगी। आज मेरी बहन की शादी हुई है, मुझे मेरी बहन पर बहुत ज़्यादा गर्व है। और गर्व क्यों है बहन? क्योंकि मेरे जीजा जी का एक्सीडेंट हुआ था, फिर भी उन्होंने उनके साथ शादी की और दोनों 8 साल तक रिलेशन में रहे। परिवार वालों ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बाहर वालों ने बहुत कुछ कहा। फिर भी मेरे मम्मी पापा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है कि हाँ जी हमें एक्सेप्ट है, हमारी लड़की जहाँ भी रहे खुश रहे। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों अगर साथ में ठीक रहे, मतलब अच्छा बिहेव वो दोनों में, तो साथ में रहने चाहिए। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए भांबला से नरेश कुमार की रिपोर्ट।